So now we will do the Fatou's lemma. And what is the statement? If fn is a sequence of non-negative measurable functions and fnx is tending to f of x almost everywhere on E. अब क्या क्या कंडीशन दी है? तो सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, सीक्वेंस भी है, नॉन नेगेटिव भी है, मेजरेबल भी है, ठीक है जी. और एफ एन एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स को, एफ एन एक्स, एफ ऑफ एफ एन एक्स इज टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इसका मतलब जिन पॉइंट्स पे एफ एन एफ को टेंड नहीं कर रहा उन सेट का जो मेजर है वो जीरो पे इक्वल है, ठीक है. देन इंटीग्रल ऑफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इनफिमम इंटीग्रल ऑफ एफ, ये हमें प्रूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट. So without loss of generality, we may assume that the sequence fn converges to f everywhere on E, since the integrals over sets of measures zero are zero. अब देखो इसका what is the meaning of this line? Fatou's lemma में क्या क्या दिया है? पहली बात एफ एन क्या है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ठीक है. फिर एफ एन क्या है? सारे नॉन नेगेटिव, राइट. और तीसरी बात क्या है? मेजरेबल है. चौथी बात क्या है? एफ एन एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स को टेंड कर रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, ठीक है. अब मैं ई ई को दो पार्ट में डिवाइड कर दी, ठीक है जी. द वन इज ए, यहाँ पे इसमें जितने आ रहे हैं वो सारे एफ एन एक्स एफ ऑफ एक्स को टेंड कर रहे हैं. इसमें जो सारे एक्स आ रहे हैं वो एफ एन एक्स जो है एफ ऑफ एक्स को टेंड नहीं कर रहे. और ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब होता है कि जहां वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही उस सेट का मैच हो गया जीरो हो गया, ठीक है. सो दिस इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन. अब जो उन्होंने लाइन क्या लिखी है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी मे अज्यूम दैट द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ एवरीवेयर ऑन ई, कि एफ एन जो है एफ को ई में हर जगह क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है. एफ एन, अब इसका मतलब है एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रहा है एवरीवेयर ऑन ई, ठीक है. कि जब हम अब हम अगर हम एफ एन का इंटेग्रल लेते हैं ओवर द सेट सपोज, तो इंटेग्रल ऑफ एफ एन, ठीक है. अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ई माइनस ए प्लस इंटेग्रल ऑफ एफ एन ओवर द सेट ए. अब या जब आप इसका इंटेग्रल खोलते हैं ना बाय द डेफिनेशन, आप क्या यूज करते हैं यहाँ पे, मेजर ऑफ ई माइनस ए, ठीक है. यहाँ पे जो भी आपको ये फंक्शन की वैल्यू गिवन है इनटू मेजर ऑफ ए. अब मेजर ऑफ ए कितना बताया मैंने आपको, जीरो. तो ये वाला हिस्सा तो जीरो ही हो गया, तो सारा का सारा यहाँ पे जो भी वैल्यू है इनटू मेजर ऑफ ई माइनस ए. तो जब भी आप इसका इंटेग्रल निकाल लोगे, इंटेग्रल जो है वो एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना ई के ऊपर है. सो दैट्स व्हाई दे आर राइटिंग, दैट्स व्हाई उन्होंने लिखा है, सिंस इंटेग्रल्स ओवर सेट्स ऑफ मेजर जीरो आर जीरो. आप उस सेट का इंटेग्रल निकाल रहे हैं जिस सेट का मेजर जीरो है. तो हाँ, आपके सामने मैंने ये देखो निकाल के बताया, जो इंटेग्रल ऑफ एफ एन जब आप ओवर द सेट ए निकालेंगे और ए का मेजर क्या है, जीरो है, या आंसर कितना आना है, जीरो. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ एवरीवेयर ऑन ई. लेट अब बात करनी है हमने नॉन नेगेटिविटी की. सो सबसे पहले एच एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लेंगे, सो दैट एच इज लेस देन और इक्वल टू एफ and which vanishes outside the set f of finite
मेजर। मैंने वहां पे सेट ए लिया जिसका मेजर जीरो हो रहा था, ठीक है। सो लेट एच बी ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन सच दैट एच इज लेस देन और इक्वल टू एफ एंड विच वैनिशेस आउटसाइड अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। इसका मतलब जहां पे एच जीरो नहीं है उस सेट का जो मेजर है वो लेस देन इंफिनिटी है। सो वी कैन राइट हियर which vanishes outside a set f of finite measure. तो f वो set है जहां पे h zero नहीं है और जिसका measure less than infinity है. तो जहां पे h का measure zero है वो कौन सा set हुआ? E minus f. But don't confuse it with almost everywhere. ये और चीज है, ठीक है। जब हम almost everywhere की बात करते हैं वो मैंने first line में आपको clear कर दी। अब यहाँ पे नया एक फंक्शन एच बनाया है जो एफ से छोटा है और जो वैनिश हो रहा है आउटसाइड अ सेट एफ ऑफ फाइनाइट मेजर। अगर आप इसकी अब इसको मैं पिक्चराइज करके बता देती हूँ, उसका उसकी थ्योरी खत्म हो गई। ये वाला जो फर्स्ट जो पहली लाइन थी उसकी थ्योरी ये थी सारी, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन ये थी। अब एच एक हमने बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लिया विच वैनिशेस आउटसाइड अ सेट एफ ऑफ फाइनाइट मेजर। तो एफ एक वो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जहां पे एच एक्स जीरो के बराबर नहीं है और इसका मतलब मेजर ऑफ एफ क्या है? लेस देन इंफिनिटी। So, ये हमारा एफ है, ये पूरी डोमेन है और ये क्या है? ई माइनस एफ। तो देयर फोर ई माइनस एफ, अब देखो अब हमें नहीं पता अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। Here is H. अब F नहीं है, we are talking about H. It is over the set E. अब यहाँ पे suppose करो मैंने F ले लिया और ये मेरा क्या है? E minus F. इस set का जो measure है वो क्या है? वो finite नहीं है। इस set का measure finite नहीं है, तो इसका मतलब इस set में इस set के अंदर जो है H of X की value zero के बराबर। तो यहाँ पे एच ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर है। अगर यहाँ से एक्स आ रहा है तो यहाँ पे एच एक्स जो है दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड मेजर ऑफ एफ इज लेस देन इनफिनिटी। सो मेजर ऑफ ई माइनस एफ जो है इट इज नॉट फाइनाइट। ठीक है बेटा जी। सो नाउ वी विल डिफाइन अदर सीक्वेंस एच एन ऑफ फंक्शंस बाय सेटिंग एच एन इट इज इनफिमम ऑफ एच एंड एफ एन। सो आप बेटा इसमें स्टेप्स बना लीजिए क्योंकि सब में वेरिएशन है। सो पहले विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी दिस इज स्टेप नंबर वन, देन स्टेप नंबर टू वी विल डिफाइन एच, नाउ द स्टेप नंबर थ्री वी विल डिफाइन द सीक्वेंस एच एन ऑफ फंक्शन। देन क्लियरली एच एन इज बाउंडेड बाय द बाउंड ऑफ एच एंड वैनिशेस आउटसाइड एफ। HN जो है that is a minimum of HX and FNX. तो HNX जो है वो minimum है, ठीक है। इसका मतलब HN किससे छोटा है? HX से। आप यहाँ पे ये लाइन लिखिए ना, HN is bounded by the bound of H. उससे पहले आप लिखिए it implies HN is less than or equal to H for all N, ठीक है। So therefore HN is bounded by H. ये क्यों लिखा एच एन इज लेस देन और इक्वल टू एन? बेटा एच एन सबसे छोटा है, ठीक है। एच एन इज अ मिनिमम ऑफ द सेट एंड मिनिमम ऑफ द सेट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन पर्टिकुलर मेंबर। सो अब क्या कह रहे हैं ये साइड पे लिखा हुआ उन्होंने, नाउ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एच एन। तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट कहाँ लगेगी? एच एक्स में तो लिमिट नहीं लगेगी, एफ एन में लगेगी क्योंकि एफ एन एफ को टेंड करता है। तो ये आ गया। अब मिनिमम ऑफ एच और एफ, एच और एफ में से मिनिमम कौन है? डेफिनेटली क्या आएगा? एच आएगा कि एच जो है वो हमने एफ से छोटा एस्यूम किया है। सो एच एक्स की वैल्यू कब आती है बेटा? एच एक्स वैल्यू कब आ रही है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। दस एच एन इज अ यूनिफॉर्मली bounded sequence of measurable function such that hn is tending to h on f. So
तो यहाँ पे बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाई होगी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी बाय बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ एच एन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ। अब बात किसकी है, ई, हमने तो इंटीग्रल ऑफ ई पे फाइंड आउट करना है। सो इंटीग्रल ऑफ एच ओवर ई, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एफ एंड ई माइनस एफ, और ई माइनस एफ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है, ठीक है जी। सो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ एच ओवर द सेट एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेट एच ओवर द सेट ई। नाउ देयरफॉर अ वन इंप्लाइज, वेयर इज वन, हाँ वन में क्या पड़ा है, इंटीग्रल ऑफ एच ओवर द सेट एफ इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ एच। तो वन से हमने, अब इंटीग्रल ऑफ एच इज इक्वल टू लिमिट, ये हमने एज इट इज वन लिख दिया, ठीक है। अब लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी से लेस देन और इक्वल टू लिमिट इनफिमम लगा दिया, और साथ में यहाँ क्या कर दिया, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। सो लिमिट ऑफ एच एन की जगह हमने क्या लगाया, एफ एन लगा दिया, ठीक है जी, क्या लगाया हमने, एफ एन लगा दिया। तो क्यों, क्योंकि एच एन किससे छोटा है, एफ एन से छोटा है। अब यहाँ पे एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इनफीरियर, सो दिस स्टेप यू हैव टू रिमेंबर, व्हेन यू विल टेक एच एन इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन, इट मीन्स द लिमिट इनफीरियर ऑफ एच एन इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इनफीरियर ऑफ एफ एन। सो नाउ वी विल टेक द सुप्रीमम ऑन बोथ साइड्स, so we will take the supremum on both sides with respect to h, vary कौन कर रहा है, h vary कर रहा है, so we get, so when you will take the supremum, supremum किस साइड पे लेंगे, जहां h vary कर रहा है, fn की साइड पे तो supremum लगा ही नहीं सकते हो, कि fn जो ऑलरेडी आपने जब लिमिट ले ली किसी इंटीग्रल के, इट मीन वो एक फाइनाइट वैल्यू देगा, सो लेफ्ट साइड में जो supremum वाला हिस्सा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ f ओवर द सेट e। So this is less than or equal to limit infimum and tends to infinity integral of n. So this is all about Fatou's lemma.